हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो फैमिली, आज के लिए ना थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लेट शूट कर रही हूँ, क्योंकि फैमिली आज ना मुझे थोड़ा सा हेडेक हो गया था इवनिंग में, जिसकी वजह से मैं इवनिंग में वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर जब मैं थोड़ा सा रिलीफ मिला मुझे, तो उसके बाद मैं सीधा छत पर आई। मैंने सोचा बर्ड्स को फीड भी करा लूँगी और अगर टाइम मिला तो ब्लॉग भी शूट कर लूँगी, तो दोनों ही काम हो जाएंगे अभी। लेकिन ना फैमिली, अभी इतना अंधेरा हो गया है, देखिए दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। लाइट्स वगैरह देखिए अभी मैंने ऑन कर ली हैं, ताकि ईजिली मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ, और स्पेशली इसीलिए तो लाइट लगवाई थी ना यहाँ पर। तो गाइस, आज ना गर्मी, आज नहीं डेली गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कई दिन हो गए हैं बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, और साथ में हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से क्या ही बताऊं गर्मी का हाल। और अभी थोड़ी सी राहत है, क्योंकि हल्की हल्की हवा चल रही है, वो भी पता नहीं कितनी देर चलेगी और कब तक चलेगी कुछ पता नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में फिर से बंद हो जाएगी, फिर वही गर्मी गर्मी। और खैर, अभी बातें तो काफ़ी सारी हो चुकी हैं, अभी फटाफट से मिनी जू के अंदर चल के अपने बर्ड्स को फीड दे देते हैं और देख लेते हैं सब क्या कर रहे हैं। और क्योंकि ना थोड़ी देर बाद फिर वो मैं लाइट वगैरह ऑफ कर दूंगी, ताकि वो लोग रेस्ट वगैरह करें। और आज ना गाइस, कबूतरों को भी मेरे को लाइट्स ऑन करके फीड करानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है छत पे पूरी तरह से, तो फीड लेने में उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए वैसे भी मैंने वहाँ दो लाइट्स लगवा दी हैं, तो अभी वो ईजिली वहाँ पर फीड ले लेंगे, तो उनको फीड बाद में कराएंगे, पहले चलते हैं मिनी जू के अंदर, ठीक है। तो मिनी जू की लाइट्स तो फैमिली मैंने आते ही ऑन कर दी थी, तो अभी यहाँ पर तो अच्छी खासी रोशनी हो रही है, बस अभी इनको आके फीड कराना बाकी है। और सबसे पहले मैंने आते यही किया था कि इनको इनकी लाइट्स वगैरह ऑन करी मिनी जू की सब में, और इनका जो पानी है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में रख के चली गई थी ना, वो मैंने अभी सब फेंक दिया है, क्योंकि पूरा दिन इसको पीते हैं, नहा भी लेते हैं, बिल्कुल गंदा करके रख देते हैं, सभी मैंने सभी का पानी फेंक दिया है, सभी मिनी केजेस का। अब इसको वॉश करके और फिर से इसके अंदर पानी रख के और सभी केजेस के अंदर रखेंगे। तो सभी की केजेस से देखिए पानी निकाल दिया है मैंने, इनका जो पानी रखा हुआ था पीने का, और अब वापस से सबको पानी देंगे। और यहाँ पर देखिए फैमिली, हमारा जो फाउंटेन है वो भी मैंने ऑन कर दिया है अभी। तो इवनिंग में तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है ना, और अगर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूँ और तब मैं इसको देखूँ तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ एक बार, लाइट्स ऑफ करके कैसा लगता है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना लाइट्स ऑफ करने के बाद। तो ऐसा कुछ नज़ारा रहता है हमारे फाउंटेन का नाइट में। और जब मैं लाइट्स भी ऑफ कर देती हूँ ना, तो थोड़ी टाइम के लिए इसको ऐसे ही चलने देती हूँ, उसके बाद फिर सभी ऑफ करके तब जाती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए गाइस, अभी अंधेरा है तो हमारा एक्वेरियम भी कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है ना, फिशेज हमारी कितनी प्यारी लग रही है, हमारी ब्लैकी एंड हमारी गोल्डी। तो अभी पहले आप लोग ऐसे देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं लाइट्स ऑन कर दूँगी। तो अच्छे लग रहे हैं ना, देखिए हमारा फाउंटेन भी और साथ में हमारा एक्वेरियम भी, क्योंकि अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, और मैंने इन दोनों को ही ऑन कर दिया है। रात में सच में बहुत अच्छे लगते हैं ये, और हमारी देखिए दोनों फिशेस कितनी प्यारी लग रही हैं। और देखिए अभी वो और ज़्यादा चहचहाट शुरू हो गई है हमारी बर्ड्स की, कि मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है, मैं फिर से लाइट ऑन कर देती हूँ, सभी लाइट्स ऑन कर देते हैं। फैमिली आज ना मैंने इनको मॉर्निंग में सभी को ग्लूकोन डी दिया था पानी में मिक्स करके, क्योंकि ना कई दिन हो गए थे, मुझे लगा क्योंकि मैं विमरल भी दे रही हूँ टाइम टू टाइम, और कैल्शियम सिरप वगैरह, यानी कि जो भी मैं इनको सिरप यूज़ कराती हूँ वो सब कुछ मैं इनको दे रही थी। लेकिन ना अभी मैंने देखा काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने इनको ग्लूकोन डी नहीं दिया है, तो आज सभी को ग्लूकोन डी पिलाया। लेकिन इन्होंने पता है क्या किया है, ग्लूकोन डी का पानी दिया पीने के लिए, ताकि इनको बेनिफिट हो गर्मी में, लेकिन सब के सब उसमें नहा नहा के बैठ गए। ये जो यहाँ पर ये रखी हुई है ना सभी के केजेस के जो पानी वाले बॉक्सेस हैं, ये भी इन्होंने इसमें भी नहा नहा के रखा हुआ था, और ये वाले पानी की हालत देखी इसकी, क्या हालत कर रखी है इन्होंने, ऐसा कुछ हाल कर देते हैं ये पानी का, जो कि मुझे टाइम टू टाइम जल्दी जल्दी चेंज करना होता है। अभी मैंने सब पानी फेंक दिया है और वापस से भर के रखूँगी। और गाइस आज ना मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा एक बजी का छोटा सा बेबी बाहर निकल के आ गया फिर से,
एक तो मैंने आप लोगों को ग्रीन कलर का कुछ दिन पहले दिखाया था जो कि खुद से ही बाहर आ गया था, और आज एक येलो कलर का बाहर आ गया है। तो मैं दिखा देती हूँ कौन सा है वो, और आप लोग भी देख लीजिएगा। इस शैतान ना आज खुद से बाहर आ गया है, और ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है नन्ना मुन्ना सा हमारा क्यूट बेबी बजी, ये देखिए। और पता नहीं आज कैसे निकल के आ गया, लेकिन देखिए देखिए कितना ज़्यादा शोर कर रहा है। गाइस मुझे ना बजी को पकड़ने में थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और बहुत ज़ोर से काटते हैं। ये देखिए देखिए निकलने के लिए कितना ज़्यादा बेचैन हो रहा है हाथ में से। इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया है, वैसे ये खुद से चला जाएगा। मैं क्योंकि थोड़ी देर पहले जब आई थी ना, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ एक बार, तब मैंने देखा था इसको बाहर। और अभी देखिए इनकी फीड भी पूरी फिनिश हो गई है, तो फीड भी रख देते हैं इनके लिए ताकि ये टाइम से फीड ले ले, और फिर सबको पानी दूंगी वन बाय वन। और गाइज अब जो ये एक्स्ट्रा फीड बिखेरते हैं ना, और जो इनकी वेस्ट ये कंगनी वगैरह होती है, सबको ना मैं ये देखिए मैंने एक टब में भर के ऐसे रख दिया है, और जब ये फुल हो जाता है फिर मैं इसको फेंक देती हूँ। और आज देखिए मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग भी की थी मिनी जू में, तो अभी देखिए आप लोगों को क्लीन क्लीन सा नज़र आ रहा होगा सब। बस ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा अभी यहाँ से गंदा हो रखा है, एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, इसको भी यहाँ से मुझे हटाना है जल्दी, फिर ये हमारा पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। यहाँ से फीड ले लेते हैं, इसको रख देते हैं बच्ची के लिए। ओहो बिखर गई, यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ी सी मुझसे बिखर गई है यहाँ पर। इनके लिए भी रख देते हैं, वैसे इसमें है लेकिन थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ ताकि ये इजली खा सके। अभी तो मेरे कबूतर भी वेट कर रहे होंगे गाइस, क्योंकि ना सोच रहे होंगे पता नहीं शाम को टाइम से फीड करा देती है और आज पता नहीं कहाँ चली गई है। इनको फीड करा दूं उसके बाद ऊपर भी जाऊंगी। तो यहाँ पर भी फीड रख दिए बेंगोलिन फिंचेस के लिए, और बजीज के लिए भी वहाँ पर रख दिए। देखिए बजीज खाने के लिए आ भी गए हैं, और यहाँ पे देख लीजिए गाइस क्या चल रहा है हमारा लव बर्ड। तो देखिए मिट्टी खाने में लगा हुआ है, आराम से शौक से मिट्टी खा रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा नज़दीक गई ना तो फिर यहाँ से चला जाएगा ये उठ के। ये देखिए कैसे मिट्टी खाने में लगा हुआ है आराम से, ये देखो थोड़ा सा यहाँ से ओपन करने की कोशिश की थी और वो भाग गया। और ये देखिए गाइस हमारी बाकी बर्ड्स को देखिए, कोई कहीं बैठा रहता है कोई कहीं बैठा रहता है, इनका बस यही चलता रहता है पूरा टाइम, कोई यही करना होता है। और हमारी गोल्डन फिंचेस को भी देख लीजिए गाइस कितनी प्यारी सी है ना, अभी देखिए फीड ले रही थी और मैं पास में आई तो वो चली गई। और ये वाली देखिए हमारी लॉन्ग टेल बर्ड, और गाइस हमारा जो देखिए टाइगर सिराजी है ना, अभी वो पहले से काफी ठीक हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसकी एक आंख में प्रॉब्लम हो गई है, तो देखिए इसकी एक आंख अभी बिल्कुल ठीक हो गई है। एक आंख तो ठीक थी ही लेकिन दूसरी में प्रॉब्लम हो रही थी ना, और मैंने आपसे ट्रीटमेंट वगैरह पूछा था, आप लोगों ने मुझे बताया भी था। मैंने ना इसके लिए आई ड्रॉप मंगाई थी, और अभी ये पहले से बिल्कुल ठीक है और इसकी आँख भी ठीक हो गई है। देखिए हाथ भी नहीं आता है, भागने की कोशिश करता रहता है। और गाइस सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को ये बात जानकर होगी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ भी देते कि टाइगर सिराजी कैसा है सिराजी कैसा है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये पहले बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहा था ठीक से अपने पैरों पर, और एक जगह ही ऐसे बैठा रहता था, वहीं फीड देना पानी देना। लेकिन ना अभी ये अपने पैरों पर एकदम से खड़ा भी हो गया है और खुद से फीड भी लेने लगा है, और पानी भी मुझे इसे खुद से पिलाना नहीं होता, जैसे मैं बर्ड्स के लिए यहाँ पर पानी रख देती हूँ ये खुद ही यहाँ पर पानी पी लेता है आके। और ये देखिए पहले तो हाथ इसको मैं आराम से लगा लेती हूँ, ये देखिए पहले यहाँ पर बैठा हुआ था ना टाइगर सिराजी, और अभी देखिए खुद से वहाँ पर जाकर बैठ गया है तो हमारा टाइगर सिराजी अभी एकदम से परफेक्ट है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ने बहुत
ज़्यादा इसके लिए दुआएं भी की थी और साथ में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट भी बताए थे कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया एकदम से। इसकी आंखें भी ठीक हो गई हैं। हमारा मैलो देखिए यहाँ पर केज के अंदर देखिए कैसे घूर रहा है मुझे। मैं इसको बाहर नहीं निकालती हूँ, मैंने पता है अभी इसे एक दो दिन पहले थोड़ा सा बाहर निकाल दिया था कि ये घूम फिर लेगा, बाहर आकर फीड ले लेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नालायक है कि आकर इसने बाहर मिनी केज से और डायरेक्ट हमारे टाइगर सिराजी पर हमला कर दिया। और वो बेचारा तो वैसे ही इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में और उसको इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था ये, तो मैंने ना वापस से इसको इसके अंदर बंद कर दिया। और ये इतना बदतमीज नालायक हो गया है कि ये बाहर से भी उसको देखिए मुझे कितनी ज़ोर से हिट कर रहा है, ये देखिए इसका गुस्सा, ये ना गाइस बाहर से भी उसको मारने की कोशिश करता रहता है। वो बेचारा नज़दीक पे आता है ना, जैसे कि यहाँ पर ऐसे फीड वगैरह बखेर के रखता है और वो आ जाता है पास में, तो उसको वहाँ से भी अंदर से ही मारता रहता है बार बार, इतना ज़्यादा नालायक है। उसको ना अंदर बंद रखना ही ठीक है, तुम ना अंदर ही बंद रहोगे, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी नहीं, तुम हो ही इसी लायक, तुम इसी लायक हो मैलो, तुम इसी लायक हो, तुम अंदर ही बंद रहो। और फैमिली यहाँ पे देखिए मैंने ना आउल फिंच के लिए ना जो आप लोगों से पहले मैंने पूछा था ना एक बार व्लॉग में कि हम जो पीजन वगैरह के एग होते हैं उनको दे सकते हैं नहीं अपनी बर्ड्स वगैरह को खाने के लिए, तो आप लोगों ने बोला था हाँ दे सकते हैं। तो देखिए मैंने ना कबूतर के अंडे का जो छिलका है वो देखिए आउल फिंच के लिए रखा था, और इन्होंने देखिए यहाँ पे खाया हुआ भी, ये देखिए क्रश करके रखा हुआ है, तो ये इन्होंने खा लिया था यहाँ से, इसका मतलब चलिए अच्छी बात है। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरे केज में आउल फिंच कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है, तो अभी दिखाने की कोशिश करती हूँ अगर दिखा पाई तो। ये देखिए गाइस आपको तो नहीं, अगर मैं अंदर भी जाती हूँ कैमरा तो ना ये भाग जाएंगे निकल के, लेकिन क्योंकि आराम कर रही है इनको डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है ना, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा हमारी जो आउल फिंच है ना वो नेस्ट बॉक्स के अंदर बैठी हुई है दोनों के दोनों, तो बेचारे दोनों के दोनों आराम कर रहे हैं नेस्ट बॉक्स के अंदर, तो इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। और गाइस मैंने ना जब आउल फिंच आई थी तो आप लोग उनके नेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, मैंने बोला था कि इनके क्या नाम रखने चाहिए हमें, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि मेल का नाम बिट्टू रख दो और फीमेल आउल का नाम रख दो किट्टू, तो नाम मुझे दोनों बहुत पसंद आए और अब ना मैं इन दोनों को इन्हीं नामों से बुलाया करूँगी, मेल हुआ बिट्टू फीमेल हुई किट्टू, तो किट्टू एंड बिट्टू बहुत ही स्वीट नेम है और अब इन दोनों का नाम रखते हैं किट्टू और बिट्टू, आप लोग भी ऐसे बुलाना ठीक है। और इन दोनों को ये प्यारे प्यारे से दो नाम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है फैमिली, आज के ब्लॉग को यहीं पर ओवर करती हूँ और कल मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पर न्यू कंटेंट के साथ। और हाँ गाइस मुझे ना आप लोगों से एक और बात करनी थी कि फैमिली अभी ना मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ही काफ़ी टाइम से ये कमेंट्स आ रही हैं कि कबूतरों पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कबूतरों का शौक कम कर दिया है क्या, कबूतरों से प्यार नहीं रहा है क्या, तरह तरह की कमेंट्स आ रही हैं। तो फैमिली अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसा कि अभी कुछ टाइम से हमारे मिनी जू में रेगुलर बैक टू बैक नए नए परिंदे आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आप लोगों को वही सब विजिट करा देती हूँ और कबूतरों की वीडियो भी कुछ टाइम बाद हम लोग शूट करेंगे। तो अभी काफ़ी समय हो चुका है और आज या कल में जल्दी ही हम सीधा कबूतरों की वीडियो शूट करेंगे और साथ में सभी कबूतरों की रेगुलर अपडेट आप लोगों को मैं दूंगी और ये भी बताऊंगी कि किस किस का क्या क्या चल रहा है और किस किस ने एग ले किए हैं, उनकी सभी एक्टिविटीज़ का आप लोगों को शौक कराऊंगी, सभी के बारे में बताऊंगी वन बाय वन ठीक है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा वेट करना, तो ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, ब्लॉगर को की पैस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।